बुंदेलखंड के महोबा जिले का ऐतिहासिक कजली मेला व रक्षाबंधन का त्यौहार दूर दराज तक विख्यात है। दूर दराज से लोग आकर मेले में शिरकत करते हैं, मेले का लुफ्त उठाते हैं। ऐतिहासिक एवं परंपरागत कजली मेले का शुभारंभ सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, सदर विधायक राकेश गोस्वामी, MLC जितेंद्र सिंह सेंगर, जिलाधिकारी मनोज कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता, वन्य जन प्रतिनिधियों के साथ कजली मेला महोत्सव का विधिवत फीता काटकर हवेली दरवाजा से शुभारंभ शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। शोभा यात्रा में परंपरा के अनुसार कजली का ढोला सहित आल्हा एवं उदल के झांकिया सहित हाथी घोड़ा में परंपरागत मेले का शुभारंभ किया गया। कजली मेला शोभा यात्रा में राजा पलमा, लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई तथा आल्हा उदल के झांकी सहित जनपद के ऐतिहासिक धरोहर के प्रदर्शित करते हुए झांकियां निकाली गई। शोभा यात्रा की झांकियों में विभिन्न विभागों के जिला पंचायत राज विभाग द्वारा स्वच्छता अभियान से संबंधित राधा कृष्ण झांकी सहित विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं की झांकी बैंड बाजा के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा एवं झांकियों का लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कजली मेला शोभा यात्रा हवेली दरवाजा से होते हुए नगर पालिका आल्हा चौक, उदल चौक, राठ चौकी होते हुए करित सागर पर समाप्त किया गया। शोभा यात्रा में नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौरसिया के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी सहित भारी संख्या में जन सैलाब मौजूद रहा। जो बाहर से दुकान आती है महोबा शहर में 15 दिन का मेला, निश्चित तौर से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा होगा। एक वर्ष में देखने ऐसा अवसर होता है कि रक्षाबंधन के पर्व पर कजली मेला तीरथ सागर तट पर आप देख रहे हैं कि कितने बड़े स्तर पर प्रशासन द्वारा तैयारी की गई है। निश्चित तौर से हम सब लोग मिलकर सौहार्दपूर्वक यह त्यौहार मनाएंगे और एक दूसरे से एक जो मन में कटुता हो तो उस कटुता को भाव खत्म करके हम लोग अपने आनंद के साथ में अपना जो हम लोगों की दैनिक दिनचर्या है उसको मिलजुल कर। देखिए, ये बहुत पुराना मेला है, ऐतिहासिक मेला है और ये हम सब लोगों को अपने पूर्वजों की याद दिलाता है। आज की कजली मेला में हम लोग जब देखने आते हैं और शुरू से देख के चले आ रहे हैं, आज के दिन आला की याद में, उदल की याद में हम लोगों में वीर रस की इतना ओज भर जाता है कि दो चार दिन तो उसका खुमार रहता ही है कि हम लोग वीर घूम के रहने वाले हैं। आज के इस मौके पर मैं अपने जिले की, जनपद की, पूरे बुंदेलखंड की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस मेले को निरंतर बढ़ाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करते रहें। कजली महोत्सव जो है ये एक राष्ट्रीय पहचान बनाया हुआ एक उत्सव है जो लगभग जो है 938 वर्षों से परंपरा इसकी चल रही है और ये रक्षाबंधन से अगले दिन होता है। इसमें सभी को मैं शुभकामनाएँ देते हुए कि जिस तरह से वीर जो परम वीर के रूप में यहाँ पर उन्होंने अपनी भूमिका अदा की और योगदान दिया, उस तरह महोबा जो है वो आर्मी के क्षेत्र में भी अपनी से आगे बढ़ेगा। इसके लिए भी हम लोग सांसद जी से, विधायक जी से मिलकर संबंधित महोत्सव को शुरू करेंगे और यही संदेश है कि राष्ट्र एकता करता के लिए हमें ये महोत्सव को और बढ़कर पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसमें भूमिका अदा करनी चाहिए। और इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि ट्रैफिक की भी कोई अस्थिरता ना होने पाए, इसके नाते 10 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, 10 जगह पर बैरिकेडिंग कराई गई है और पूरे मेला क्षेत्र को जो है डिफरेंट क्वार्टर्स में बांटते हुए 1, 2, 9, 7 सेक्टर्स में बांटा गया है और हर जगह पुलिस की मजिस्ट्रेट के साथ भी डिप्लॉय की गई है। साथ ही 2 फायर टेंडर डिप्लॉय किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। इस तरह बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस द्वारा।